खास राजभर का नमस्कार। लंबे समय के बाद मुलाकात की प्रेस वार्ता में हो रही है। ओ, आज जो इधर आप लोगों को बुलाया गया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बिंदु और कांग्रेस नेताओं के बयान का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा जम्मू कश्मीर में एससी एसटी एवं वंचितों को मिल रहे आरक्षण को समाप्त करने की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 ए को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में दलितों और वंचित समाज के लोगों, खासकर गुज्जर, बरकवाल और नागरिक अधिकारों से वंचित पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन कांग्रेस अब फिर से इनको कुचलना चाहती है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में एससी एसटी सहित पूरे वंचित समाज के आरक्षण को 60 सालों से बाधित कर रखा था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित समाज को दशकों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वस्पर्शी, समावेशी, सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली सरकार में जब जम्मू कश्मीर में एससी एसटी और वंचित समाज को आरक्षण मिल रहा है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी नेशनल कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। यही कांग्रेस की असली मंशा है। कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेगी, इससे सीधे तौर पर कांग्रेस की मंशा उजागर होती है कि वो फिर से दलित और वंचित के आरक्षण को रोकना चाहती है। क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए फिर से लागू करके वह दलितों और वंचितों के आरक्षण को बाधित करके करने की योजना नहीं बना रही है? माननीय गृह मंत्री जी से माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर अस्पष्टता पूर्वक जो कहा है, जो सवाल आज देश का हर दलित और वंचित वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस से पूछ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से स्पष्ट सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बरकवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और वह ऐसा करने के लिए क्या नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादों के साथ है? क्या हमने कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखा है कि किस तरह एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को मिल रहे आरक्षण को कम करने की साजिश रची गई और रची जा रही है। हमने कांग्रेस की एक और सहयोगी तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित पश्चिम बंगाल में भी देखा है कि किस तरह ओबीसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ही एससी एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। हम एनडीए के दल कांग्रेस की आरक्षण संविधान और सामाजिक न्याय विरोधी सोच को कभी सफल नहीं होने देंगे और दलितों और वंचितों को उनका अधिकार मिलता रहे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है। हम इसके लिए हम एनडीए के सभी साथी मिलकर लड़ते रहेंगे।